साथ राखी लांबा। अब पाकिस्तान का नाम सुनकर तरस आने लगता है। सोचिए एक ऐसा देश जिसका कोई ठिकाना नहीं, उसका कोई माई बाप नहीं, समय समय पर तो वहाँ प्रधानमंत्री ही बदलते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत भी ऐसी है कि हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान अपने इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहा है। इसी बीच अब पाकिस्तान की 9 करोड़ से ज्यादा जनता के लिए बुरी खबर सामने आई। अब देखिए पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा हो गया है। हाल इतना बुरा है कि अब इस देश को एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ गई है। ऊपर से पाकिस्तान में गरीबों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में अब एक और तगड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए आई बुरी खबर। आपको बता दें कि बुरी खबर विश्व बैंक को लेकर सामने आई है। पीटीआई के रिपोर्ट में इस बारे में बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में पाकिस्तान में गरीबी दर बढ़कर 39.4% तक पहुंच गई थी। यानी पाकिस्तान के 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग और गरीबी की चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में गरीबी एक साल पहले 34.2% थी, लेकिन अब बढ़कर 39.4% हो गई है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान में गरीबी की मार झेलने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 9.5 करोड़ हो गया है। यानी 9 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए यह बुरी खबर है। पूरे पाकिस्तान के लिए यह बुरी खबर है। पाकिस्तान का आर्थिक मॉडल फेल, इस बारे में भी वर्ल्ड बैंक कह चुका है कि, और इसके अलावा सलाह भी दी है कि सुधार करने की यहाँ जरूरत है। जहाँ वैश्विक निकाय ने कहा है कि वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए देश को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। पाकिस्तान को विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री टोबी यास हक ने कहा है कि पाकिस्तान का आर्थिक मॉडल अब गरीबी कम नहीं कर रहा और समकक्ष देशों के मुकाबले यहाँ जीवन स्तर लगातार घटता जा रहा है। पाकिस्तान को विश्व बैंक की चेतावनी। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वित्तीय स्थिरता के लिए देश को जो कदम उठाने की जरूरत है, उनमें कृषि और रियल एस्टेट पर कर लगाने के साथ ही बेकार के खर्च में कटौती शामिल है। वहीं विश्व बैंक के प्रमुख टोबियास हक ने कहा है पाकिस्तान गंभीर आर्थिक और मानव विकास संकट का सामना कर रहा है और ऐसे बिंदु पर है जहां प्रमुख नीतिगत बदलाव की जरूरत है। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम काकड़, आपको बता दें कि अभी फिलहाल पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ हैं। वो देश के 8वें अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। काकड़ का तत्कालीन का कार्य देश के शासन चलाने में सहायता के लिए कैबिनेट गठित करना है।